दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर बाहर आने के बाद 15 सितंबर को इस्तीफे का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। उसके बाद सबकी नजरें इस बात पर टिक गई थीं कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में अब वो कौन सा ट्रंप कार्ड चलने वाले हैं, किस चेहरे पर दाव खेलने वाले हैं। तो वहीं ये सस्पेंस भी अब खत्म हो गया है। नमस्कार, मैं नलिनी सिंह पालीवाल, आप देख रहे हैं न्यूज स्कूप। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई है और आतिशी मार्लेना के मुख्यमंत्री बनने के बाद कई तरीके की टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साथ ही बात इसे लेकर भी हो रही है कि क्या स्वाति मालीवाल प्रकरण ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए आतिशी की राह आसान कर दी है। दरअसल मैं ऐसा इसीलिए कह रही हूं क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की गिनती आम आदमी पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में होती थी। आम आदमी पार्टी की महिला नेताओं की कतार में स्वाति का नाम सबसे आगे हुआ करता था, लेकिन सीएम हाउस में अपने साथ हुई मारपीट के प्रकरण के बाद स्वाति मालीवाल पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन गई हैं। स्वाति संसद के भीतर और बाहर आम आदमी पार्टी को घेर रही हैं। उनके प्रकरण को लेकर विपक्षी पार्टियां भी सीएम केजरीवाल पर लगातार हमलावर हैं, खासकर की भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी स्वाति मालीवाल प्रकरण के बहाने महिला सुरक्षा के मुद्दे पर केजरीवाल को लगातार घेर रही है, तो वहीं आतिशी के सीएम बनने पर उन्हीं की पार्टी के कई नेता खुश नहीं हैं। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट जारी कर कहा कि दिल्ली के लिए बेहद दुखद दिन है। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला को बनाया जा रहा है जिनके परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी। उनके माता पिता ने आतंकी अफजल गुरु को बचाने के लिए माननीय राष्ट्रपति को दया याचिकाएं लिखी। उनके हिसाब से अफजल गुरु निर्दोष था और उसको राजनैतिक साजिश के तहत फंसाया गया था। उन्होंने आगे कहा, वैसे तो आतिशी मार्लेना सिर्फ डमी सीएम है, फिर भी ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान दिल्ली की रक्षा करे। दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मार्लेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। आतिशी मार्लेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। फिर क्या था, आपकी तरफ से भी इस पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं सामने आई और आप विधायक दिलीप पांडे ने स्वाति मालीवाल पर हमला करते हुए कहा, वो राज्यसभा आप पार्टी की तरफ से जाती हैं, लेकिन बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ती हैं। उन्हें बीजेपी से राज्यसभा का टिकट लेने की कोशिश करनी चाहिए। अगर जरा सी भी शर्म है और नैतिकता बची है तो वो पार्टी से इस्तीफा दे दें। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए। तो वहीं बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी एक ऐसा सीएम चुन रही है जिसका अन्ना आंदोलन और इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कोई नाता कभी नहीं रहा। दिल्ली की जनता एक नक्सली कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री को कभी स्वीकार नहीं करेगी। तो वहीं दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने मुख्यमंत्री के रूप में नामित किए जाने के बाद अपने पहले संबोधन में ये कहा कि मुझे जितना सुख है उतना ही ज्यादा दुख है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनने की कोई बधाई मत देना, माला मत पहनाना। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल के इस्तीफे से दिल्ली के लोगों को बहुत दुख है। दिल्ली वाले बीजेपी के षड्यंत्र से नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का पद संभालने जा रही आतिशी ने आगे कहा कि मैं सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। केजरीवाल ने मुझ पर भरोसा किया, मैंने नेता और गुरु केजरीवाल का इसके लिए धन्यवाद। आगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है जहां पहली बार के विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। मैं बहुत खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया। इसके साथ ही दुख भी है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। वहीं कई सारे नेता आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं और साथ ही साथ टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है वीरेंद्र सचदेवा। जी हाँ, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आप काले धब्बे धोना चाह रही है, लेकिन ये धब्बे हटेंगे नहीं। वहीं दूसरी ओर आप नवंबर में दिल्ली चुनाव कराने की मांग कर रही है। नवंबर में दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग इसे उनका आत्मविश्वास बता रहे हैं। उनकी माने तो केजरीवाल ने ये बात अपने लोगों को ये संदेश देने के लिए कही है कि वो अभी भी चुनाव के लिए तैयार हैं।
हालांकि कुछ लोग उनके इस बयान को विधानसभा भंग करने की ओर इशारा करने से भी जोड़ रहे हैं। ऐसे में आपके मंशा पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, साथ ही इस बात को लेकर भी सवाल है कि आखिर क्यों केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए 2 दिनों का वक्त लिया और तारीख चुनी 17 सितंबर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। क्या यह जानबूझकर सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया गया है? क्या आप सिंपैथी वोट पाने के लिए हथकंडे अपना रही है? जब इस्तीफा देना ही था तो जेल से सरकार चलाने का फैसला आखिर क्यों लिया गया था? और अगर फैसला लिया गया था तो अब इस्तीफा आखिर क्यों दिया गया? क्या आपको कोई डर सता रहा है? खुद को सबसे ईमानदार बताने वाली ये पार्टी क्या समझ गई है कि दिल्ली की जनता शायद अब परिवर्तन करने के मूड में है? खैर, इस बात का जवाब तो आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगा कि क्या वाकई जनता परिवर्तन चाहती है या आम आदमी पार्टी को वापस से जनता गले लगाएगी। मगर अब देखना दिलचस्प होगा कि आपका अगला कदम क्या होगा। इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़स्कूप से।